जो यूपीए गवर्नमेंट में जिस ढंग से शिक्षा का व्यापारीकरण शुरू हुआ था, उससे पहले बीजेपी वाले मुरली मनोहर जोशी जी मंत्री थे, तो उस समय शुरुआत इन्होंने करी थी कि यूनिवर्सिटियों को कहते थे हम ग्रांट कम करेंगे, सेल्फ फाइनेंस बढ़ाओ। भारत जैसे गरीब देश में कहते थे यूनिवर्सिटियों को सेल्फ फाइनेंस बनाओ, मतलब लड़कों को चूसो रगड़ो और पैसा लो और यूनिवर्सिटियों को चलाओ। ये भारत जैसे देश में संभव नहीं था, ये गरीब देश है। तो उसके बाद कांग्रेस वाले भी इसी पे चल गए। आपको याद होगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की मंजूरी देते गए, औने पौने मतलब कि कोई रेट तय था वो देते थे, उनको मंजूरी मिल जाती थी, उन्होंने दुकान ही खोल नहीं लिया। है तो जो जनसंपर्क किया वो सब है, उसके साथ वैकल्पिक एजेंडा आखिर कर्नाटक में पेश किया कि नहीं पेश किया, चाहे वो संकल्प पत्र के हिसाब से हो चाहे जो हिसाब से हो, उसको सरकार एक कर रही है कि नहीं कर रही है, और तो और बजटरी प्रावधान कर रही है। नहीं तो अभी अभी गोदी मीडिया और सब लोग जो है हल्ला करने लगते हैं कि कर्नाटक का बजट आया है लेकिन उसमें जो है जो इन्होंने 5 घोषणाएं की हैं उसके लिए बजटरी प्रावधान नहीं किया। बैंकों की लेकिन लूट कांग्रेस के जमाने में भी हुई थी, लेकिन कांग्रेस के जमाने में जो लूट थी वो छुपा छुपी था, थोड़ा लो क्लास था, थोड़ा शर्म था। लेकिन ये इन्होंने कहा यार कोई लो क्लास नहीं है, जितना लूटना है लूट लो, हम आपको बचाने के लिए हैं। और उसके बाद आपको नजर ही आया कि रिजर्व बैंक ने एक चिट्ठी भी निकाल दी मोदी जी के इशारे पे कि भैया आपने जितना लूटना है जितना आके करना है एक समझौता कर लो, अगर 1 लाख करोड़ का है 5,000 करोड़ दे दो, 5,000 करोड़ है तो 500 करोड़ दे दो, और उसके बाद 12 महीने बाद फिर आ जाओ, हम दोबारा आपको लोन दे देंगे। भाजपा की जीत में 5 किलो राशन की बहुत बड़ी भूमिका रही है, जो 5 किलो राशन मिलने लगा, और यहाँ तक कि पूरे उत्तर प्रदेश में मायावती का जो वोट बैंक है वो 5 किलो राशन में बिक गया आप सबका। चाहे कि राहुल गांधी जो इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, या चाहे मैकेनिक लोगों से मिल रहे हैं, चाहे छात्रों से मिल रहे हैं, चाहे वो किसानों से मिल रहे हैं, तो क्या सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट है या सिर्फ वैकल्पिक कोई एजेंडा देने में वो सक्षम होंगे कि बेरोजगार युवा, चाहे किसानों की जो खराब होती स्थिति है, चाहे कर्ज को लेकर है, चाहे सुसाइड को लेकर है, चाहे फसलों की अच्छी कीमत नहीं मिल रही है उसके लेकर है, तो क्या राहुल गांधी इसका कोई वैकल्पिक एजेंडा देंगे? इस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। फ्री बी, मुफ्त की रेवड़ी, क्या इस खेल में भाजपा शिकस्त खा रही है? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद कई मुद्रा में दिखे हैं। छात्रों से हॉस्टल में जाकर मिले, खाना खाया, ट्रैक्टर चलाया, अमेरिका में जाकर ट्रक की सवारी की, धान रोपते नजर आए और मोटरसाइकिल के गैराज में पेचकस लेकर नट बोल्ट टाइट करते आए। ये जो जनसंपर्क अभियान चल रहा है राहुल गांधी का, ये सिर्फ जनसंपर्क है या कोई वैकल्पिक एजेंडा भी? इसी विषय पर आज चर्चा है। दो खास मेहमान हैं, जेपी सिंह साहब हैं आप लगातार सुन रहे हैं, और संजीव पांडे साहब हैं, दोनों हमारे मेहमानों को लगातार आप सुन रहे हैं, और आज इसी विषय पर चर्चा कर रहा हूँ कि मुफ्त रबड़ी और रेवड़ी और फ्री भी, क्या इस पॉलिटिक्स में भाजपा फंस गई है, और राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं क्या उनके कोई कोई वैकल्पिक एजेंडा लोकसभा चुनाव में सेट कर पाएंगे? स्वागत है आप दोनों का सर। जी संजीव जी, आप ही से जी शुरू करते हैं। जी देखिए, जिस ढंग से कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिली और उससे पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जो सफलता मिली थी, तो ये फ्रीबी की इशू जो है भारतीय जनता पार्टी बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू पहले से बना हुआ था, अब ये राष्ट्रीय स्तर पे बन चुका है जो फ्रीबी का इशू है। और जिस ढंग से राहुल गांधी सोनीपत में किसानों के पास गए, किसानों के साथ उन्होंने बातचीत की, वहाँ धान की रुपाई भी की, हालांकि राजनीतिक सर्कल में इसको इवेंट मैनेजमेंट भी बोलते हैं, जो 2014 में नरेंद्र मोदी भी करते रहे थे, और नरेंद्र मोदी भी इस तरह के इवेंट मैनेजमेंट करके और लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे वादा करके सत्ता में आए थे। तो राजनीतिक हलके में भी चर्चा है कि राहुल गांधी जो इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, या चाहे मैकेनिक लोगों से मिल रहे हैं, चाहे छात्रों से मिल रहे हैं, चाहे वो किसानों से मिल रहे हैं, तो क्या सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट है या सिर्फ वैकल्पिक कोई एजेंडा देने में वो सक्षम होंगे कि बेरोजगार युवा, चाहे किसानों की जो खराब होती स्थिति है, चाहे वो कर्ज को लेकर है, चाहे सुसाइड को लेकर है, चाहे फसलों की अच्छी कीमत नहीं मिल रही है उसके लेकर है, तो क्या राहुल गांधी इसका कोई वैकल्पिक एजेंडा देंगे? इस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जिस
जिस ढंग से कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में भिवानी की रैली में जो एक घोषणा करी एमएसपी को लेकर, उन्होंने एक बड़ी घोषणा करी कि हम एकदम कमिटेड हैं एमएसपी को लेकर किसानों को, और तो दूसरी उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा करी कि ओल्ड पेंशन स्कीम वो आते ही हरियाणा में अगर सरकार उनकी आई तो आते ही इसको लागू करेंगे, और तो तीसरी जो बहुत बड़ी घोषणा करी है कि बुढ़ापा पेंशन जिसको मतलब कि भारतीय जनता पार्टी फ्री भी मानती है या कहती है कि पैसे की बर्बादी है, उस पर 6,000 रुपया उन्होंने करने की कही है कि हम 6,000 करेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ी बात करी है कि हरियाणा आर्मी के अंदर बहुत ज्यादा बच्चों को भेजता है, तो उसमें अग्निवीर स्कीम को लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा करी कि सारी स्कीमें अगर कांग्रेस पावर में आती है तो हम लोग खत्म करेंगे। तो ये जो इस तरह की घोषणाएं हैं, और तो और जो सबसे बड़ी बात बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी सरदार अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं, उन्होंने भी कल एक हरियाणा के पंचकुला में कार्यक्रम करके फ्री बिजली की घोषणा करी कि दिल्ली में जैसे मैं फ्री बिजली दे रहा हूँ हरियाणा के पड़ोसी राज्य में, और जैसे पंजाब में फ्री बिजली देकर उन्होंने लोगों को बेनिफिट दिया है, तो हम हरियाणा में भी 200 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे। और ये जो बिजली की जो नाम पे जो सरकार जो वो कर रही है, लूट मचा रही है, 9 रुपये यूनिट, 10 रुपये यूनिट, 200 यूनिट का जो बिजली का बिल 1300-1400 आ रहा है, तो चूंकि देखिए गरीब आदमी के लिए एक बहुत बड़ा इशू है ये बिजली, फ्री बिजली है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू बीजेपी के लिए तब पड़ गया है जब आपको याद होगा कि अभी हाल ही में सेंटर ने कोई लॉ बनाया है कि रात में अगर आप ज्यादा बिजली खपत करेंगे और रात में एसी चलाएंगे तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो एक तरफ जहां बीजेपी बिजली कंपनियों को अंधाधुंध फायदा देने के लिए तमाम उल्टे सीधे कानून बना रही है, वैसे में जो फ्री बिजली का इशू है जनता को बड़ा रास आ रहा है। हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक और कल घोषणा करी है राजस्थान के तर्ज पे कि हम महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर दिया करेंगे, एक सिलेंडर, जो कि चूंकि मोदी राज में ये सिलेंडर 1200 रुपए तक पहुंच गया है, 1100 रुपए तक कई राज्यों में मिल रहा है, और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 400-500 रुपए तक जाता था, अब पिछले 10 सालों में दुगना तिगुना इसकी कीमत गैस की कीमत बढ़ गई, गैस सिलेंडर की। तो एक बहुत बड़ा इसी फ्रीबी का बन गया है, और ये फ्रीबी मैं नहीं मानता, ये सोशल वेलफेयर या आप मान के चलिए कि वेलफेयर स्टेट का जो एक जो थ्योरी है जिसपे कांग्रेस पहले 1990 से पहले काम करती रही थी उस पर लौटती हुई नजर आ रही है। और इसमें क्रेडिट के अरविंद केजरीवाल को भी देना होगा जिसने इस इशू पे आने के लिए कांग्रेस को मजबूर किया। जी जेपी सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया। अनम्यूट कीजिए सर। हाँ हाँ आवाज आई। हाँ भाई, मैं इसकी कोई क्रेडिट केजरीवाल जी को नहीं दूंगा, हाँ क्रेडिट केजरीवाल जी को दूंगा कि वो बहुत ही शार्प और चालाक व्यक्ति हैं, क्योंकि वो आईएएस रहे हैं, भले एलाइड सर्विस उनकी हो, इनकम टैक्स में रहे हो, तो उनकी निगाह बहुत पैनी है, उन्होंने चीजों को बहुत पहले से पहचान लिया और उसके अनुसार अनुसरण करना शुरू किया, बाकी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए, जो पिछले चुनाव कई जगह हुए हैं, इसमें कर्नाटक चुनाव छोड़ के भाजपा की जीत में 5 किलो राशन की बहुत बड़ी भूमिका रही है, जो 5 किलो राशन मिलने लगा, और यहाँ तक कि पूरे उत्तर प्रदेश में मायावती का जो वोट बैंक है वो 5 किलो राशन में बिक गया आपका, इसको कोई माने या ना माने। क्यों? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले हमारी तमाम उनके बहुत से लोगों से जो किसी और जगह काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भाई आपकी कम्युनिटी आपकी कहाँ जा रही है, बहन जी के साथ जा रही है या किसके साथ जा रही है, तो उन्होंने कहा कि हमारी कम्युनिटी 5 किलो राशन के साथ जा रही है। खाइलनी की माइलनी की एक भोजपुरी की बहुत पुरानी कहावत। तो केजरीवाल जी ने बिजली और पानी पर जो उन्होंने हाथ रखा और जो ये 5 किलो राशन का इन्होंने तिक्रम चलाया, तो उससे सारे राजनीतिक दलों में आखिर विश्लेषण होता है ना कि हम क्यों हार रहे हैं और क्यों वो जीत रहे हैं, इतना सब गड़बड़ी के बाद क्यों जीत रहे हैं। तो पता चला 5 किलो राशन, तो उनका 15 किलो राशन देंगे हम, 10 किलो राशन देंगे हम, बिजली वही केजरीवाल ही क्यों देंगे, आखिर वो भी तो स्टेट फंड में से देंगे तो हम भी देंगे भाई। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले यहाँ तक हो गया था कि उत्तर प्रदेश में एक जो है बकायदे अखबारों में छप गया कि अब उत्तर प्रदेश में बिजली का दाम आधा हो जाएगा, आधा जो है सरकार सब्सिडी देगी। लेकिन जब सरकार इतने बड़े उसके ऊपर जीत गई, तो जीतने के बाद उन्होंने कहा कि फर्जी खबर थी, हमने नहीं कहा था।
जबकि जो है वो आपका 200-300 यूनिट फ्री इन्होंने भी घोषणा किया था, अखिलेश ने भी घोषणा किया था, लेकिन जीत गई बीजेपी। वो आधा करने वाले थे वो आधा से पीछे हट गए। बाकी तो बीजेपी के बारे में, जब मंदिर में उन्होंने इतना, बनारस में जो आपका इस समय जो काशी विश्वनाथ मंदिर में जो पूरे सावन भर और मलमास के महीने में सोमारी मनाने बिहार तक से लोग आते हैं, कहा जाता है बनारस में सोमारी बा, बिहार तक से लोग आते हैं, प्रयागराज तक से लोग जाते हैं, और उसमें उन्होंने इतना महंगा दर्शन से लेके सब कुछ कर दिया, उसका बिल्कुल व्यापारीकरण कर दिया। और साथ में आप किस समय दर्शन करेंगे उसके भी रेट अलग अलग हो गए, कि आप जब मंगला आरती होगी तो कितना रेट होगा, जनरल में कितना रेट होगा, भोर में आरती होगी तो कितना रेट होगा, मतलब ये सब जब कर दिया तो शुद्ध व्यापारीकरण कर दिया। एक और आप सब व्यापारीकरण करते जा रहे हैं, और कोई अगर कह दे कि आप जो है अंग्रेज औरंगजेब या मुगलों की तरह जजिया कर लगा दे तो भी आपको बुरा लगना है। तो सवाल इस बात का है कि यही कितने दिनों से बात चल रही, खाली जुडिशियरी की वजह से आप डबल टैक्स दे रहे हैं। जब आपसे वाहन पर एक बार टैक्स ले लिया जाता है तो फिर ये जो आप हाईवे पे चलते हैं उसका अलग से टोल टैक्स देते, किस बात का देते, फिर किस बात का पैसा लिया गया आपके नगर निगम में जो सड़ी हुई सड़कें हैं उसमें चलने के लिए वाहन का पैसा लिया गया आपसे। खाली जुडिशियरी में कई बार इसको चैलेंज हुआ, कई कोर्टों में चैलेंज हुआ, लेकिन जुडिशियरी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। वरना ये बिल्कुल डबल व्यवस्था है कि नहीं है, कि जब आपने एक बार पूरा कितने साल का जोड़ करके वाहन टैक्स ले लिया, तो फिर जब वाहन टैक्स ले लिया तो फिर आप टोल टैक्स क्यों ले रहे हैं? सड़क भी तो बनानी आपकी प्राथमिकता है कि क्या कहते हैं, आप सड़क पानी ये सब मुहैया करेंगे वेलफेयर स्टेट के नाते, कि आप जो वेलफेयर स्टेट के नाते सड़क बना देंगे तो उसका पैसा लेंगे। आप रेलवे स्टेशन बना के उनको जो क्या कहते हैं पूंजीपतियों को सौंप रहे हैं, अडानी को सौंप रहे हैं, आप रेल पटरी नहीं ठीक कर रहे जिसपे रेलगाड़ी चलनी है, तो आप वो किसके लिए उतना सुंदरीकरण और वर्ल्ड क्लास हवाई अड्डे के तरह जो है क्या कहते हैं आप जो रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, कौन कह रहा है? ये आपने जो अपने उसमें जो है आपने जनता से इस पर जनादेश लिया था कि हम रेल पटरी नहीं बनाएंगे, हम जो है खाली जो है रेलवे स्टेशन बनाएंगे अडानी जी को देने के लिए, नहीं अडानी जी लेंगे तो कोई उन्हीं की तरह किसी और को देने के लिए। तो सवाल ये है कि तो सरकार की पूरी प्रायोरिटी है कि पूरा व्यापारीकरण कर दिया जाए, और जो किसान बिल भी सरकार लेके आई थी जिसको बाद में इनको वापस लेना पड़ा, तो उसके पीछे भी यही था कि पूरा किसान माने खेती का भी जो है पूरा कारपोरेटीकरण हो जाए, कि जब चाहे ये जिस सरकार को चाहे फेल कर दे। अभी देखिए चावल के ही मामले में कर्नाटक ने जब इनसे मांगा तो इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे, उसी जगह वो पैसा दे रहे हैं। तो अगर किसानी पूरी कारपोरेट के हाथ में चली जाएगी तो वो जो चाहे तो अपना गेहूं जो है बाजार में भेजें, वो चाहे तो ना भेजें, वो अपना चाहे तो टमाटर बाजार में भेजें, अपना चाहे तो ना भेजें। माने कृत्रिम अभाव पैदा करके जो जमाखोर बड़े बड़े करते हैं जिन पर ये कोई कार्रवाई नहीं करते, वो सीधे सीधे कारपोरेट करने लगे कि उनके पास कोई पैसे की कमी तो है नहीं, क्योंकि उनको तो बैंक ही जो है उनके पिताजी का है, जेब में उनके जब चाहते हैं ऐसे हाथ डाला बैंक में से पैसा निकाल के ले लिया, उनको तो अपना पैसा भी नहीं लगाना है। तो सवाल इस बात का है कि अब जब ये कंपटीशन चल रहा है फ्री बीज देने का, 5 किलो दे रहे हैं केजरीवाल, फ्री बिजली दे रहे हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं फ्री बिजली दे सकते जब उनको उसी सरकारी पैसे में से पैसा निकाल के देना है, कोई अपने से नहीं करना। कर्नाटक सरकार ने जो बजट पेश किया है उसने अपने पांचों जो गारंटी कांग्रेस ने दी थी, पांचों गारंटी के लिए साफ साफ कह के जो है वो बजटरी प्रावधान किया है। शराब में या नशे का पैसा बढ़ा दिया कि साहब इतना टैक्स बढ़ गया क्योंकि हमको ये करना है, ये हमको फ्री बीज देना है, इसके लिए हमको पैसा चाहिए वेलफेयर स्टेट के लिए, तो उससे पैसा ले लिया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पूरे देश भर में मोदी सरकार ही बिजली फ्री कर दे, और जो टोल टैक्स ले रही है उसी पर 2% जो है वो क्या कहते हैं वो लेवी और बढ़ा दे बिजली के मद में, खुद ही श्रेय ले ले, काहे दूसरे को श्रेय देना चाहती है? भाई पानी बिजली ये सब तो फ्री होना चाहिए, पानी बिजली दवाई स्कूल ये सब फ्री होना चाहिए आपका। तो वेलफेयर स्टेट है आप फ्री कर दीजिए, सबको एक साथ एक बराबर पढ़ने की सुविधा दीजिए, और चलाइए आप जो है देश को जो है चाहे कारपोरेट के माध्यम से चलाइए चाहे जहां चलाइए। और आप ऐसा करेंगे तो दूसरे क्यों नहीं करेंगे? दूसरे में वो फ्री बीज है और आपके लिए वो वेलफेयर स्टेट है। आपने 5 किलो जो राशन देकर के पिछला चुनाव कई स्टेट में जीत लिया तो वो फ्री बीज नहीं है। जयललिता ने 1 रुपए किलो जो है वो क्या कहते हैं सबसे पहले तो जयललिता ने शुरू किया था, 1 रुपए किलो चावल देना शुरू किया था आपके तमिलनाडु में। जयललिता के बाद लोगों ने फॉलो किया
और जो है और केजरीवाल चूंकि पढ़े लिखे आदमी है, होशियार आदमी है, तो उन्होंने कहा कि भाई जो मध्यम वर्ग है उसको जो है वो क्या कहते हैं बिजली जो है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, क्यों, क्योंकि उच्च वर्ग बनने के लिए वो उसकी हैसियत नहीं, फिर भी वो एसी लगवाना चाहता है तो बिजली मार खाती है, तो इसलिए ये है। और आगे आने वाले चुनाव में आप देखिएगा कि जो मध्यम वर्ग के लिए जो जो आपका पेट्रोल और डीजल में जो दुनिया भर का पैसा लग रहा है ना, उसमें भी अगर सब्सिडी सरकारें दे तो आप इसको जो है अन्यथा मत लीजिएगा। कई जगह ये हो भी गया कि हम जो है इतना उसमें सब्सिडी देंगे जो है पेट्रोल और डीजल, तो ये सब भी है, मैंने राज्य सरकार के लेवल पर है कि हम इतना देंगे। हमारे ख्याल से कर्नाटक में ही हुआ है क्या अब की बात कि भाई हम इतना देंगे, तो सवाल इस बात का है कि जब फ्री व्हील से आप चुनाव जीत सकते तो हम क्यों नहीं जीत सकते, इसमें क्या बुराई क्या है, क्योंकि कोई लाभ तो है नहीं। जी हाँ संजीव जी, पूंजीपतियों को जो लाखों लाख करोड़ जो है वो बट्टा खाता जिसको आप बोलते हैं उसमें चला जाता है, तो वो क्या है, जन कल्याण के कार्य को फ्री भी कह के मजाक उड़ाना, तो इससे तो जनता नाराज हो जाएगी। ये कौन सह पाएंगे? देखिए, ये जो आर्थिक उदारीकरण की जो नीतियां थी जिसको कांग्रेस ने सबसे पहले इस देश में लाया, राहुल गांधी की ही पार्टी इसके लिए जिम्मेवार है 1990 के बाद, जिसका पूरा का पूरा जो देश का बेड़ा गर्क नरेंद्र मोदी जी के हाथों हो रहा है, इसकी शुरुआत राहुल गांधी के पार्टी ने ही करी थी, नरसिंह राव ने करी थी, मनमोहन सिंह उसमें वित्त मंत्री थे, और औने पौने दामों में इन्होंने सारे संसाधनों को धीरे धीरे सौंपने की एक रणनीति बनाई थी, चाहे IMF का प्रेशर था, चाहे वर्ल्ड बैंक का प्रेशर था। और उसी समय से आपको याद होगा कि जो WTO की मीटिंग होती थी उसमें कहा जाता था कि आप किसानों की सब्सिडी खत्म कीजिए, और हमारी सरकार बेंट होती गई, और उसमें अकेला हम नरेंद्र मोदी को गाली नहीं दे सकते, इसके लिए कांग्रेस बराबर की हिस्सेदार है, कांग्रेस भी कॉरपोरेट की दलाली करती रही है, और कांग्रेस के टाइम में भी कॉरपोरेट टैक्स, अगर 10 साल का खाता अगर हटा लीजिए मनमोहन सिंह के 10 साल का ही मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल का अगर खाता जोड़ दीजिएगा तो कॉरपोरेट टैक्स और तमाम टैक्स छूट में 35 लाख करोड़ रुपए का बेनिफिट दिया गया था कॉरपोरेट घरानों को, इससे कांग्रेस नहीं बच सकती। आज राहुल गांधी अगर ट्रैक्टर पे जा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं कि 52 सीटें आ गई इनको, 48 सीटें आ गई, अगर यही 200-250 सीटें लगातार आती रहती तो ये भी मोदी के ही पैनल पे चलते और सारी संपत्तियों को बेचते जाते, जो मनमोहन सिंह के टाइम में धीरे धीरे हो रहा था। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस में एक लेफ्ट विंग होता है, एक धड़ा होता है सोशलिस्ट विचारों का, जो समय समय पे इनको ब्रेक लगाता रहा, नहीं तो ये भी उसी कैटेगरी में चल रहे थे। हाँ, अब राहुल गांधी को ये समझ में क्यों लेट आया भाई, केजरीवाल ज्यादा समझदार थे, फिर राहुल गांधी के पास समझदारों की कमी क्यों थी, क्यों नहीं राहुल गांधी के पास समझदारों की टीम थी। आज राहुल गांधी 15 साल बाद किसानी के और खेतों में उतर रहे हैं, ये इनको 2009-10 में क्यों नहीं समझ में आया, जब कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट भी थे, कई राज्यों में इनकी सरकार थी, कई राज्यों में इनके मंत्री अरेस्ट हो रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, कल पंजाब में इनके डिप्टी सीएम आय से अधिक संपत्ति में अरेस्ट हो गए जो कांग्रेस के राज में डिप्टी सीएम थे। तो भ्रष्टाचार को लेकर और कॉरपोरेट लीड को लेकर कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये दोनों एक ही कैटेगरी में शामिल होते हैं, क्षेत्रीय दल भी उसमें शामिल होते हैं, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे और तमाम लोग हो, और अरविंद केजरीवाल भी उसमें शामिल है, कहते हैं पार्टी चलाना है पैसा हमें चाहिए, लेकिन आखिर ये कांग्रेस 70 साल की पार्टी को केजरीवाल से क्यों मार्गदर्शन लेना पड़ गया भाई? क्या आप मानसिक रूप से आर्थिक और समा इतने दिवालिया हो चुके थे, आपके पास थॉट्स की कमी हो गई थी कि 140 करोड़ के देश में गरीब कितने लोग रहते हैं, कितने बदहाली में लोग रहते हैं? ये जो बिजली के जो सारे जो वो हुआ, जो बिजली कंपनियों का जो सारा का सारा बंडलिंग हुआ आपके सामने 2004 में वाजपेयी ने शुरुआत करी, और मनमोहन सिंह ने जिस ढंग से उसको तेजी से बढ़ाया और जिस ढंग से बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियों को बिजली के क्षेत्र में खुली लूट की व्यवस्था मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई, मोदी ने उसको चरम सीमा पर पहुंचा दिया, तो कैटेगरी सेम है। लेकिन सवाल ये है कि अब इनको नगलने लगा कि पंजाब में औरतों को बस फ्री कर दिया आपने, दिल्ली में बस फ्री कर दिया, तो पता चला कि अब कांग्रेसियों को समझ में आया कि जी ये तो कर्नाटक में करना पड़ेगा, ये तो 50% वोट है महिलाओं को अगर बस फ्री करोगे तो ये चीजें पहले कांग्रेस को समझ में क्यों नहीं आया? शीला दीक्षित ने इतना लंबा राज किया, शीला दीक्षित के टाइम में इतना ज्यादा काम किया, उसके बावजूद दिल्ली की जनता शीला दीक्षित को क्यों नहीं रिपीट कर पाई, या कांग्रेस को क्यों आज तक कांग्रेस 6% पे क्यों चली गई, और आम आदमी पार्टी आज भी तीसरी बार क्यों सरकार बना रही है? ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा कि ये माने
कि ये भी कॉरपोरेट के कंट्रोल में उतना ही थे जितना आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले तो कॉरपोरेट के कंट्रोल में है नहीं, वो तो कॉरपोरेट के दोस्त हैं, वो तो कॉरपोरेट के मित्र हैं, वो अपने घरों में बैठा के जिस ढंग से जितना है वो मिल बांट के सारा कर रहे हैं। कांग्रेस वाले कॉरपोरेट के दबाव में थे, चाहे IMF के दबाव में थे, चाहे वर्ल्ड बैंक के दबाव में थे, या कॉरपोरेट के लोग वहां घुस गए थे। अब इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये करना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये जो फ्री भी है, बैंकों की लूट कांग्रेस के जमाने में भी हुई थी, लेकिन कांग्रेस के जमाने में जो लूट थी वो छुपा छुपी था, थोड़ा लो क्लास था, थोड़ा शर्म था। लेकिन ये इन्होंने कहा यार कोई लो क्लास नहीं है, जितना लूटना है लूट लो, हम आपको बचाने के लिए हैं। और उसके बाद आपको नजर ही आया कि रिजर्व बैंक ने एक चिट्ठी भी निकाल दी मोदी जी के इशारे पे कि भैया आपने जितना लूटना है जितना आके करना है एक समझौता कर लो, अगर 1,00,000 करोड़ का है 5,000 करोड़ दे दो, 5,000 करोड़ है तो 500 करोड़ दे दो, और उसके बाद 12 महीने बाद फिर आ जाओ, हम दोबारा आपको लोन दे देंगे। मतलब डिफॉल्टर कंपनियों के, मतलब कि अनिल अंबानी जैसे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा, इसको नीरव मोदी जैसे लोगों को सीधा इसका बेनिफिट मिलेगा, इसका बेनिफिट उसको भी मिलेगा, क्या कहा जाता है विजय माल्या को मिलेगा, इसका बेनिफिट जितने भी भगोड़े हैं मेहुल चौकसी है उनको मिल जाएगा, अगर उन्होंने बैंकों से एक बार अगर जाके समझौता कर लिया और उसके बाद ये बेनिफिट लेके भारत में आ जाएंगे, कहेंगे जी हमारा समझौता हो गया, कोई क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। तो देखिए कांग्रेस शर्म के साथ लूटती थी, बेशर्मी के साथ लूटती, अंतर यही है। राहुल गांधी को अब थोड़ा समझ में आ गया है कि दिल्ली के ड्राइंग रूम से पॉलिटिक्स नहीं चल सकती, फील्ड में निकल रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ट्रैक्टर से जुताई करके फेसबुक पे और मीडिया हाइप क्रिएट करने से नहीं होगा। किसानों की स्थिति पे राहुल गांधी को एक गाइडलाइन लेके आना पड़ेगा पूरा का पूरा कि किसानों की प्रॉब्लम्स पे हम ये करेंगे। और इनके पास नेता हैं, ऐसे ऐसे नेता हैं जो इनको किसानों को लेकर बहुत अच्छा गाइडलाइन बना सकते हैं, रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं। मैं समझता हूँ सीधा रवैया ने बहुत अच्छा काम किया, अभी पीछे जो भाजपा की सरकार ने जो वहाँ के एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड जो लॉ चेंज किए थे, प्रो कॉर्पोरेट जो लॉ बनाए थे उसको सीधा रवैया ने वापस लेके उसमें पुराने लॉ को लागू किया है, उसमें चेंज किए हैं, जो प्रो कॉर्पोरेट था उसको खत्म किया है। तो मैं समझता हूँ कि इनके पास अच्छे लीडर हैं, उन लीडरों को सलाह लेने की जरूरत है। और मैं मानता हूं कि इसका बेनिफिट कांग्रेस पार्टी को होगा राष्ट्रीय स्तर पे, इस समय कांग्रेस ही बीजेपी के विकल्प है और कांग्रेस को इसका बेनिफिट होगा। लेकिन ये चीज इनको मानना पड़ेगा कि हमने भी विगत में गलतियां करी थी और उसी गलतियों में हम हारे और उसी गलतियों के कारण नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में पड़ गई थी। जी जेपी सर, कांग्रेस बीजेपी एक ही है या कुछ अंतर है, मतलब क्या है मामला? और नहीं, देखिए अंतर तो है ही है, और इसका सबसे बड़ा अंतर तो इंदिरा गांधी स्वयं थी जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, और इमरजेंसी वापस करने के बाद जब वो हार गई चुनाव, हारने के बाद जब दोबारा जीती तो फिर उन्होंने इमरजेंसी की कोई बात नहीं की, कुछ आती तो दोबारा फिर से इमरजेंसी लगा देते, जनता ने तो स्वीकार कर दिया। इसके अलावा कांग्रेसी थी जिसने सिख दंगे के लिए भी माफी मांगी, कांग्रेसी थी जिसने इमरजेंसी के लिए भी माफी मांगी, बीजेपी ने आज तक कौन सी माफी मांगी? ये तो कल तक कहते हैं कि हमारे एजेंडे में नहीं है और परसों कहने लगते हैं कि हमारी वजह से ऐसा हो रहा है। राम मंदिर आपके हाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है और पूरा ढोल मंजीरे के साथ पूरे देश भर में कि हम बनवा रहे हैं, हम बनवा रहे हैं, हम बनवा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी जब आपको था कि इसमें आपको एक तो क्या कहते हैं ट्रस्ट बना करके देना है तो आपने उन्हीं को क्यों सौंप दिया? तो उसमें भी तो सब इन्हीं के जो है वो आपके फंडामेंटलिस्ट जज बैठे हुए थे, 5 में 4 जज बैठे हुए थे, तो पांचवे को भी चीफ जस्टिस बनना था, वो भी ढोल मंजीरे के साथ उसमें शामिल हो गया खामोशी के साथ कि अकेले चला क्या हम भाड़ फोड़ पाएंगे। तो बात यहाँ पर तो ये है ना कि मुंह देखी बात होती है सर। मैं कह रहा हूं ना कि जयललिता ने 1 रुपए किलो से शुरू किया था, उस समय भी था कहां से आएगा क्या आएगा। बीपी सिंह ने सबसे पहले जो है बीपी सिंह के राज में जो है किसानों का जो है कर्जा माफ हुआ था, उस समय सारे बैंकों की तरफ से आ गया कि बैंकों की जो आर्थिक स्थिति खराब हुई है वो बीपी सिंह के किसानों के कर्जा माफी के कारण खराब हुई, ये भी नैरेटिव इस देश में चलाया गया, ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि मनमोहन सिंह ये इस देश का, चाहे मनमोहन सिंह के लोग जितने प्रशंसक हों, मैं अभी भी आज की डेट में कहता हूं कि इस देश का बड़ा भारी दुर्भाग्य जो विश्व बैंक में काम करने वाले अधिकारी को इस देश ने अपना प्रधानमंत्री बनाया। विश्व बैंक का अधिकारी जो विश्व बैंक पहले से ही सब्सिडी बंद करने से लेके उत्तर प्रदेश में जो 4 बिजली कंपनियां बनी है, चारों का जो है इस समय
सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऊर्जा पर रिपोर्ट जारी की है उसमें लिखा है चारों का परफॉर्मेंस सी और डी ग्रेड में है। ये विश्व बैंक के कहने से चार कंपनियां बनाई गई, उन्होंने कहा तब हम कोई सहायता देंगे नहीं तो नहीं देंगे, पहले आप चार कंपनी बनाइए। आपका विश्व बैंक की स्थिति थी, साक्षरता के लिए वहां से पैसा मिलता था, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं मिलता था। साक्षरता के लिए पैसा मिलता था, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं मिलता था। आप अगर कोई बहुत बड़ा पुल बनाना चाहते हैं तो उसमें आप जापान बैंक से जो है वो क्या कहते हैं जापान के बैंक से भी अगर फाइनेंस लेना चाहे तो विश्व बैंक का उसके ऊपर रोक था। वो आपको साक्षरता जैसे काम में जिसमें सारा पैसा गंगा जी में बह गया, कितने लोग साक्षर हुए कि निरक्षर रह गए ये देखने वाला कोई नहीं है। अब आपको विश्व बैंक से पैसा मिला, आपने ले लिया और लेके साक्षरता में आप कर रहे तो कोई साक्षर हुआ नहीं हुआ, हाँ उसमें जो लोग लगे हुए थे नीचे से ऊपर से उनके घर जरूर भर गए उस पैसे से, और कर्जदार आपके देश की जनता हो गई, आप हो गए सरकार हो गई, जिसका कर्जा जो है चुकाने में ही लाखों करोड़ रुपया जो है वो क्या कहते हैं हर साल जो है सरकार को भुगतान करना पड़ता है जो कर्जे के बोझ से लदे हुए हैं। अभी मोदी जी ने जो बार बार आ रहा है कि 3 गुना 4 गुना कर्जा जो है बढ़ा दिया देश पर, विश्व बैंक का या अंतर्राष्ट्रीय संघों का, मुद्रा कोषों का, तो सवाल इस बात का बढ़ा दिया तो दो तो जनता के ऊपर लग गया, देश में जो नई सरकार आएगी या जो आगे आएंगे लोग उनको चुकता करना पड़ेगा, आपने तो बढ़ा दिया ना। अब इसका कोई मूल्यांकन कभी नहीं होगा कि जो आपने कर्जा लिया ये खर्चा कहाँ किया, इस कर्जे को खर्च कहाँ किया, आपने प्रोडक्टिव काम में खर्च किया कि अनप्रोडक्टिव काम में खर्च किया। ये उसी तरह जैसे साक्षरता में पैसा लेके आपने उसको जो है एक प्रकार से गंगा जी में बहा दिया, कुंभ मेला लगा तो जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना वो तो दिखाई पड़ता है, और जो गंगा की रेती में जो गंगा के साथ बह गया, हर साल बाढ़ आनी है और हर साल बाढ़ के साथ साल आए एक भी नहीं कुछ भी नहीं बचता, वो जो बह गया तो फिर उसको वेरिफिकेशन भी नहीं हो सकता कि इसमें आपने कितना काम किया था कितना काम नहीं किया था, और सारे काम अस्थाई के नेचर के थे कि स्थाई नेचर के थे। बाकी अब जब सब लोगों को मालूम हो गया कि जब फ्री बीच से आप चुनाव जीत सकते हैं तो फ्री बीच से हम भी चुनाव जीत सकते हैं, और इसमें लगातार होड़ लगी हुई है। अखिलेश ने जब बांटा था आपके लैपटॉप तो हुआ कि साहब ये पूरा पैसा उड़ा रहे हैं, आपने कहा कि नहीं हम जो है सबको वो देंगे क्या कहते हैं आपको मोबाइल फोन देंगे ये देंगे, फोन देने की कुछ शुरुआत भी हुई उत्तर प्रदेश में। तो कहने का तात्पर्य है कि मतलब वो करें तो कलेक्टर ढीला है, हम करें तो रास ढीला है, यही मामला है। संजीव जी आखिरी सवाल, क्या आपने तो पूरा इफ एंड बट में समझा दिया मतलब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को, लेकिन उस समय थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड था और उसके साथ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बन गए थे, आरटीआई कानून आ रहा था, राइट टू फूड आ रहा था, वो तमाम ये सब भी आ रहा था, कुछ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बन भी रहे थे, ये नहीं खाली बिक रहे थे, लेकिन अभी तो आबाद तरीके से गया है। लेकिन बहरा क्या राहुल गांधी इसकी समीक्षा के मूड में है, क्या वैकल्पिक एजेंडा पेश करने की स्थिति में दिख रहे हैं कि सिर्फ जनसंपर्क चल रहा है? देखिए अगर वैकल्पिक एजेंडा ईमानदारी से पेश करेंगे और मैं समझता हूं कि जनसंपर्क के साथ साथ ये सारी चीजों पर खुल के विचार रखने पड़ेंगे, बीच में गोल गोल की बातों से काम नहीं चलेगा, तब निश्चित रूप से देखिए 140 करोड़ की आबादी में बहुत सारी समस्याएं अब लोगों के सामने आ गई है। बेशक लोगों को लग रहा होगा कि देश मोदीमय है और मोदी मोदी हो रहा है, चाहे वो मंदिर बन गया हो, चाहे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना हो, चाहे यूसीसी हो, लेकिन जो बेसिक जो एक नीड्स है, जो लोगों की जो जरूरत है, चाहे वो मिडिल क्लास गरीब हुआ है, जो गरीबी रेखा के थोड़े से ऊपर थे वो अति गरीब हो गए, तो ये सारी परिस्थितियां बनी हुई है, देश बहुत बुरी स्थिति में फंसा हुआ है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। बाकी चाहे लोग जितना बोले, जमीन पे जो उतरता है उसको दिख ही रहा है कि देश की स्थिति क्या है, कोई भी तबका इस समय खुश नहीं है। ये अलग बात है कि मीडिया में सारा कुछ अच्छा लगता है, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी अगर इसका वैकल्पिक एजेंडा पेश करेंगे तो इसका लाभ हो। राहुल गांधी को वैकल्पिक एजेंडा पेश ही करना पड़ेगा, वो चाहे या ना चाहे, आप चाहे ना चाहे, हम चाहे ना चाहे, क्यों? क्योंकि जिस गति से उनकी सब चीजें बढ़ रही हैं तो जो जनसंपर्क है वो सब है उसके साथ वैकल्पिक एजेंडा आखिर कर्नाटक में पेश किया कि नहीं पेश किया, चाहे वो संकल्प पत्र के हिसाब से हो चाहे जो हिसाब से हो, उसको सरकार एक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, और तो और बजटरी प्रावधान कर रही है, नहीं तो अभी अभी गोदी मीडिया और सब लोग जो है हल्ला करने लगते हैं कि कर्नाटक का बजट आया है लेकिन उसमें जो है जो इन्होंने 5 घोषणाएं की हैं उसके लिए बजटरी प्रावधान नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो अपना बजट लाया उसमें बजटरी प्रावधान किया कि नहीं किया।
अभी आपको जिस तरह संजीव जी ने बताया कि वहां जो आपका क्या कहते हैं जो कारपोरेटीकरण हो गया था कृषि उत्पादों को खरीदने का, उसमें आखिर उन्होंने पुराने कानून को बहाल किया कि नहीं किया, तो ये तो एक त्वरित उसकी एक सतत प्रक्रिया है कि आप अगर उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा, वरना लोगों को ये कैसे होगा कि जो है आपके आने से सब चीजें ठीक हो जाएंगी। जी तो ठीक बिल्कुल करने के लिए आपको वैकल्पिक एजेंडा रखना ही पड़ेगा आपके बता, है ना। और दूसरी बात यह है कि बाकी भाई बहुत सा चीज वो भी है कि सराफत के साथ है कि हम जो है नहीं स्वीकार करते, जैसे आप ये बताइए इंडिया साइनिंग में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 में हार गई और 10 साल तक सरकार से भाजपा बाहर रही, अंत में उनको लीडरशिप बदलनी पड़ी आडवाणी की और मोदी जी को लाकर अभियान समिति से लेकर प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करना पड़ा। क्यों करना पड़ेगा, एक वैकल्पिक लीडरशिप देनी पड़ी ना, क्योंकि उनको लगा कि अभी इंडिया साइनिंग का छप्पा ही जो है अडानी और वाजपेयी पे लगा हुआ है, तो इंडिया साइनिंग में क्यों हार गया। आज आज तक कभी आपने समीक्षा सुनी कि इंडिया साइनिंग में क्यों हार गई बीजेपी, उस समय तो भारत चमक रहा था, जी तो आखिर क्या गड़बड़ी थी। आज तक कभी भी किसी भी मंच से किसी भी ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ कभी आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा, क्यों, क्योंकि उनको माफी मांगने की आदत ही नहीं, वो जो करते हैं वो मान के चलते हैं कि हम ये सब अंतिम सत्य कर रहे हैं और ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो है हमको ये अधिकार है कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो माफी तो खैर वो कभी मांगते ही नहीं है। गुजरात सावरकर को दंगों के छोड़कर, लिए वो सावरकर भी माफी, क्या उनका ये कहना है साहब स्ट्रेटजिक करते थे, वो माफी मांगते थे फिर आके लग जाते थे अपने काम में, वो माफी मांगते थे फिर आके लग जाते थे अपने काम में, इसका क्या जवाब है आपके पास। वो मूलतः स्वतंत्रता सेनानी थे, माफी तो वो स्ट्रेटजिकली मांगते थे, क्या करते फांसी पे लटक जाते जो है वहां काला पानी में, तो उधर माफी मांगा इधर आके फिर लग गए, उधर माफी मांगा इधर आके फिर लग गए, बार बार लगते थे बार बार माफी मांगते थे, तो माफी वो जो है अपनी रणनीति के तहत मांगते थे, समझे कि नहीं आप। तो सवाल इस बात का है कि आप इंटरव्यू में गए और आपसे कहें डॉक्टर साहब आपकी एक आंख छोटी है, एक आंख बड़ी है, कहे नहीं हमारी दोनों आंख बराबर, कहे नहीं दाहिनी आंख आपके बाएं से छोटी है, हमको दिखाई पड़ रहा है आपको तो अपनी आंख दिखाई नहीं पड़ रही है, आप जब शीशे में देखेंगे तब दिखाई पड़ेगी, शीशे में गलत सलत दिखाई पड़ रहा है, आप क्या क्या कहेंगे, हाँ सर हो सकता है, तो कहेंगे रिकॉर्ड बता रहा है कि आपकी दाहिनी आंख बाईं आंख से छोटी है, आप क्या कहेंगे कि हाँ रिकॉर्ड में कहाँ है, उनसे बात करेंगे कि मान लेंगे आप। तो सवाल इस बात का है कि जब जबराई से कोई चीज कही जाती है तो उसको मानने की व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो एकदम नहीं सीधे बिल्कुल और जाए कि नहीं हमारी दाहिनी आंख बाईं आंख छोटी नहीं है, चाहे जहां हमारा मेडिकल करा दी। तो बात यह है ना कि अब उस माफी की परिभाषा हम दूसरे ढंग से कर रहे हैं, वो लोग दूसरे ढंग से करते हैं। चलिए अब सर, अच्छा है। नहीं, एक और बात प्रसंगवश, अब उसी समय जो एम एन राय कम्युनिस्ट आंदोलन के जो सबसे बड़े नेता थे आजादी के आंदोलन में, वो तो चाहते ही नहीं थे कि भारत तक उस समय स्वतंत्र हो, और इनके लोग जो है ये लोग भी स्वतंत्रता सेनानी से में जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं रहे थे बल्कि अंग्रेजों की प्रशस्ति गा रहे थे, और आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है सुहरावर्दी के साथ जो है बंगाल की सरकार में जो है डिप्टी थे, मतलब नंबर एक पर वो थे नंबर दो पर थे ये, तो सवाल है कि इसके बावजूद केवल सावरकर की माफी और उसी और इन लोगों के स्वतंत्रता संग्राम में भाग न लेने की बात उठती है, कम्युनिस्टों को तो कोई नहीं कहता कि साहब एम एन राय जो है स्वतंत्रता का विरोध कर रहे थे कि भाई स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए, तो बात तो सब परसेप्शन की है, बात तो सब परसेप्शन की है कि किसका परसेप्शन क्या बना किसका परसेप्शन क्या नहीं बना। तो सवाल इस बात का है कि अब बड़ा दिलचस्प है और एकदम वैकल्पिक एजेंडे के साथ राहुल गांधी को आने की मजबूरी होगी, ऐसा नहीं है कि उनको एक वैकल्पिक एजेंडा देना ही पड़ेगा तभी वो राजनीति में सर्वाइव करेंगे, नहीं करेंगे। संजीव जी आ गए, हैंग खत्म हो गया, इनकी बात ही हाँ पूरी कर संजीव जी, लीजिए। फाइनल कमेंट जी। देखिए मेरा तो सिंपल ये मानना है कि राहुल गांधी को इकोनॉमिक फ्रंट पे एक बेस्ट एजेंडा देना चाहिए, क्योंकि देखिए सब कुछ ठीक है, धर्म भी ठीक है, जाति भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लास्ट में जब बात आती है पेट पे, शिक्षा पे, चिकित्सा पे, और ये तमाम चीजों को तबाह होने में पिछले 10 सालों में सब कुछ सामने बंदा दिख रहा है कि किस दश में तबाही हुई है। हॉस्पिटल में इलाज कराने जाइए, इतना महंगा हो चुका है इलाज कि आप करा ही नहीं सकते, अगर आप क्या कहा जाता है गरीब आदमी तो सोच ही नहीं सकता, जो मिडिल क्लास है वो भी कंगाल होकर निकलता है, शिक्षा की यही हालत हो गई है, आप आपके बच्चे अगर ग्रामीण इलाके में है पढ़ नहीं सकते, किसी के भी बच्चे वो नहीं पढ़ सकते, खत्म है उनकी हालत, उनको ना मैथमेटिक्स आ रहा है ना इंग्लिश आ रहा है और ना उनको हिस्ट्री आ रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा है, 10वीं पास करके
और जो सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं एक चीज करना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो शिक्षा के क्षेत्र में रहे हैं, सारा चीज खेल समझ रहे हैं कि किस ढंग से हुआ है। जो यूपीए गवर्नमेंट में जिस ढंग से शिक्षा का व्यापारीकरण शुरू हुआ था, उससे पहले बीजेपी वाले मुरली मनोहर जोशी जी मंत्री थे, तो उस समय शुरुआत इन्होंने करी थी कि यूनिवर्सिटियों को कहते थे हम ग्रांट कम करेंगे, सेल्फ फाइनेंस बढ़ाओ। भारत जैसे गरीब देश में कहते थे यूनिवर्सिटियों को सेल्फ फाइनेंस बनाओ, मतलब लड़कों को चूसो रगड़ो और पैसा लो और यूनिवर्सिटियों को चलाओ। ये भारत जैसे देश में संभव नहीं था, ये गरीब देश है। तो उसके बाद कांग्रेस वाले भी इसी पे चल गए। आपको याद होगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की मंजूरी देते गए, औने पौने मतलब कि कोई रेट तय था वो देते थे, उनको मंजूरी मिल जाती थी, उन्होंने दुकान ही खोल लिया। इसी ढंग से हॉस्पिटलों की दुकान खुल रही है, कोई भी 20 कमरा बनाता है, वहां पे 10 डॉक्टर ले आता है, कहां से उनको परमिशन मिलती है, कौन देता है? अगर आप इलाज कराने चले जाइए तो पता चला कि आपको इतना रगड़ा लगाएंगे कि या तो आप मरी के निकलेंगे, अगर बच के निकले तो आप जीने लायक नहीं रहेंगे। तो ये सारे वैकल्पिक प्लान देना पड़ेगा हेल्थ एजुकेशन और क्या कहा जाता है रोजी रोटी पे, एम्प्लॉयमेंट पे। और इसके लिए ऐसे काम नहीं चलेगा जिस चीज को राहुल गांधी और जो 5-10 लोगों की टीम के साथ चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने देश को कैसे व्यापार प्राइवेट संपत्तियों को बेचने के लिए एडवाइजरों की बहुत बड़ी टीम रख रखी है, जिसमें बड़े बड़े नाम आते हैं, और देखिएगा वो बड़े प्लान वे में बड़े बड़े आर्टिकल अखबारों में लिखते हैं, पूरी सरकार की नीतियों की वकालत करते हैं कि इससे ऐसे हो गया, ये गलत खबरें आ रही है, ये ऐसे आ गया। किसी ने तो पीछे 4 दिन पहले खबर लिखा, आर्टिकल लिखा हुआ था कि एनएसओ का और ये तो तमाम जो एजेंसियां हैं, इनके सर्वे पे भरोसा न रखिए, ये अभी भी देश के डेवलपमेंट को थोड़ा थोड़ा कम आंक रही है, इनके पास कोई सिस्टम नहीं है आंकड़े इकट्ठा करने का। मोदी जी के कार्यकाल में तो इतना ज्यादा काम हो गया है कि उसका मुकाबला अगले 150 साल में कोई नहीं कर पाएगा, और ना पीछे किया है उस आर्टिकल को। और वो जानते हैं कौन है लेखक? मेहरान था, वो पंजाब प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इन्होंने ऐसे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टियां, सरकारी संपत्तियां, संसाधनों को लूटने के लिए एक पब्लिक परसेप्शन भी तैयार करने के लिए टीम खड़ा कर रखे हैं इकोनॉमिक लोगों का, जो अखबारों में आर्टिकल लिखते हैं। अगर अमेरिका से हथियार खरीदना है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं कि अभी पीछे इन्होंने ड्रोन का एक सौदा किया अमेरिका से, $3 अरब का ड्रोन था। मैं पिछले 8 महीने 1 साल से देख रहा था कि इकोनॉमिक टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार में देश के कुछ बड़े बड़े एनालिसिस करने वाले लोग उस ड्रोन के फायदा लगातार बता रहे थे कि ये ड्रोन अगर अमेरिका से हमने खरीद लिया तो चाइना को हम ये कर देंगे और पाकिस्तान को ये कर देंगे। तो ये एक परसेप्शन तैयार करने की मोदी ने एक बहुत बड़ी टीम तैयार कर रही है, जो मोदी के हर गलत कामों को पहले से जायज ठहराने के लिए बाजार में खड़ा होता है। उसके गलत कामों को जायज ठहराने के लिए बाजार में एक बहुत बड़ी टीम खड़ी है। राहुल गांधी को जायज कामों को जायज ठहराने के लिए एक टीम खड़ी करनी होगी कि इकोनॉमिक फ्रंट पे हमने कैसा करना है। राहुल गांधी को खुद ही बोल रहे हैं, उनको तो खुद ही वो भुक्तभोगी है गुजरात में, जैसा कि वो खुद अपने आप को बता रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमें सजा नहीं हो सकती थी। तो ये सारी चीजों पर प्लान लेके उनको, और एक अकेला वो कर नहीं सकते, अकेला तो वो है नहीं इतना ज्यादा कि मतलब कोई भी आदमी अकेला सारा कुछ कर लेगा। तो एक पूरी टीम बना के वो सामने लेके आए, लीगल टीम हो चाहे वो इकोनॉमिक टीम हो, तो वो टीम लाके वो प्रॉपर एजेंडा देश के सामने रखे कि अब हम इस तरफ देश को लेके जाएंगे। जी शुक्रिया सर, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बात यह है कि अगर राहुल गांधी राजनीति में बने रहना चाहते हैं तो उन्हें अपने वैकल्पिक एजेंडा के साथ आना पड़ेगा, और अपने सही बात को सही कहने के लिए 10 रिसर्चर और लिखने वाले लोग भी रखने पड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, और जल्दी मिलता हूँ अगले एपिसोड में, बढ़िया कोई इशू के साथ मिलूंगा, और सुनते रहिए अंबेडकर नाम। शुक्रिया, थैंक यू सर।